यस, एज वी स्टार्टेड इन द लास्ट लेक्चर अबाउट सेमी कंडक्टर. अब देखिए, सेमी कंडक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया, एंड जो बैंड डायग्राम का कंसेप्ट था, एक्चुअली वो मेन कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अब देखिए, कंडक्टर रहने दो, इंसुलेटर रहने दो, या फिर सेमी कंडक्टर रहने दो, उसके लिए हम बैंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं. जैसे कि ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ओके. उसके बाद थर्ड फोर्थ भी बैंड हो सकता है इस तरीके से. इसके बाद में ये होगा वी बी, वैलेंस बैंड जिसको हम बोलते हैं, एंड ये होता है सी बी जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ओके. नाउ वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एटम्स. एटम्स के वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं, एंड कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, कौन से भी एटम को बिलोंग नहीं करते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन्स हम कंडक्शन बैंड में इंक्लूड करते हैं. एंड आउटर मोस्ट शेल, मतलब वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में, ओके. अब देखिए, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका एक एनर्जी लेवल होगा, एनर्जी इन द वैलेंस बैंड. कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका एक एनर्जी लेवल होगा, एनर्जी इन द कंडक्शन बैंड. फर्स्ट बैंड वालों का एक एनर्जी लेवल होगा, सेकंड बैंड वालों का एक एनर्जी लेवल होगा. मतलब उनको अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल अलग अलग बैंड्स में हम पुट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एंड इस तरीके से बैंड डायग्राम बनता है एज पर देयर एनर्जी. एनर्जी के हिसाब से हम यहाँ पे बैंड डायग्राम बनाते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो, जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में रहते हैं वही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए हेल्प करते हैं. अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, अगर कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा तो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा. सिर्फ देखना है यहाँ पे सी बी एंड वी बी पे, बाकी का पार्ट नहीं कंसिडर किया तो भी चलता है कोई भी सब्सटेंस के लिए, ओके. मतलब हमें डायग्राम हमेशा जो ड्रॉ करना पड़ेगा वो किसका ड्रॉ करना पड़ेगा, सी बी एंड वी बी का, ओके. तो हम फर्स्टली स्टार्ट करेंगे विद द कंडक्टर. अब देखिए, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, वो जो सिंपल डेफिनेशन है बच्चों वाले, द मटेरियल विच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो डेफिनेशन सब हमें नहीं बोलना है. हमें ये बैंड डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू हमें कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और उसके लिए हमने ये बैंड डायग्राम का कंसेप्ट यहाँ पे देखा है. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टर से. नाउ कोई भी कंडक्टर रहने दो, तो उसका अगर हमने बैंड डायग्राम ड्रॉ किया तो ये होगा उसका सी बी एंड ये होगा उसका वी बी. ये सी बी वी बी एंड उसके नीचे का जो स्ट्रक्चर होगा वो एज यूजल जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होगा. यहाँ पे ये विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ओके. नाउ अब देखिए, वी बी एंड सी बी मतलब यहाँ पे फर्स्ट बैंड होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, जो कोई भी बैंड्स होंगे, पर हमें देखना कहाँ पे है, सिर्फ वी बी एंड सी बी में हमें देखना पड़ता है. अब देखो, वी बी एंड सी बी में एनर्जी का एक डिफरेंस होता है, यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप, जिसको हम बोलते हैं बैंड गैप, या फिर जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ओके. तो ये डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कुछ वी बी में होंगे, कुछ सी बी में होंगे, ओके. अब देखो, बाय डिफॉल्ट सी बी एंड वी बी कैसे रहते हैं कंडक्टर के. नाउ ये जो वी बी होता है कंडक्टर का, हर कंडक्टर का, कोई भी कंडक्टर आप कंसिडर कर दो, उसका वी बी पार्शियली एम्प्टी रहता है. पार्शियली एम्प्टी वी बी कैसा रहता है उसका, हमेशा पार्शियली एम्प्टी रहता है. वैलेंस बैंड में भी पार्शियली एम्प्टी, एंड कंडक्शन बैंड में भी पार्शियली फिल्ड. एंड सी बी कैसा रहता है, पार्शियली फिल्ड. देखिए, इसमें एम्प्टी कोई भी नहीं है,
मतलब वीबी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, वीबी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये पार्शियली एम्प्टी है, मतलब थोड़ा सा एम्प्टी है। एंड सीबी, ये थोड़ा सा भरा हुआ है, एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी यहाँ पे कोई भी नहीं है। वीबी पार्शियली एम्प्टी है एंड सीबी पार्शियली फील्ड है, थोड़ा सा एम्प्टी है, ये थोड़ा सा भरा हुआ है, पूरी तरीके से एम्प्टी यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ये जो कंडीशन है ना इसका, आप 0 डिग्री सेल्सियस भी रख दो इसको, तभी भी सीबी में पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सीबी जीरो कभी नहीं होगा उसका इलेक्ट्रॉन्स। आपने इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे भी रख दिया तो भी सीबी में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, पार्शियली फील्ड रहता है, एंड वीबी भी पार्शियली एम्प्टी रहता है। ओके, तो उस हिसाब से सीबी में कोई भी कंडीशन रहने दो, एट एनी कंडीशन सीबी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहने ही है। नाउ अब देखिए, सीबी में कौन से भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कौन से भी कंडीशन में कंडक्टर यहाँ पे करंट फ्लो करने वाला है। ओके, अब देखिए कुछ केस में तो क्या होता है, कभी कभी होता ऐसा है कि ये जो आपका सीबी है एंड ये जो आपका वी भी है, ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप हो गए मतलब क्या हुआ, दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स वी बी के पास थे एंड जो इलेक्ट्रॉन्स सी बी के पास थे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे एंड सबके सब इलेक्ट्रॉन्स सी बी को अवेलेबल हो जाएगी। मतलब उस केस में सी बी के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वहाँ पे अच्छे से करंट वहाँ पे फ्लो होता है। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से करंट फ्लो होने का रीजन जो है, सी बी एंड वी बी आर ओवरलैप्ड। कुछ कुछ केस में सम टाइम द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप्ड, मतलब कंडक्टर में होता क्या है, दोनों में थोड़ा सा एनर्जी गैप रहने दो या फिर दोनों ओवरलैप रहने दो, एनी हाउ सी बी में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन एट एनी हाउ, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से फ्लो होता है एंड इनका कंडक्टिविटी अच्छा खासा होता है, दिस कंडक्टर्स आर हैविंग लार्ज कंडक्टिविटी, कंडक्टर का इसके वजह से कंडक्टिविटी अच्छा रहता है, ये साइंटिफिक रीजन है। एंड इसका कंडक्टिविटी कितना रहता है, 10^2 टू 10^8 सीमन पर मीटर, सीमन पर मीटर उसका यूनिट होता है। ओके, अब देखो दो कंडीशन आपके सामने है, यहाँ पे सी बी एंड वी बी में छोटा सा एनर्जी गैप मुझे दिख रहा है एंड यहाँ पे सी बी एंड वी बी में तो कोई एनर्जी गैप ही नहीं है, दोनों ओवरलैप है, मतलब वी बी के इलेक्ट्रॉन्स मतलब सी बी के ही हुए। अब सी बी के पास यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। अब देखो यहाँ पे एनर्जी गैप है, यहाँ पे एनर्जी गैप प्रेजेंट है, पर ये जो एनर्जी गैप होता है ना, ये एनर्जी गैप, दिस एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल, लगभग नहीं के बराबर होता है ये एनर्जी गैप। उसको आप ऐसे समझिए कि दोनों ओवरलैप ही है या फिर वन इलेक्ट्रॉन होल्ड से छोटा एनर्जी गैप यहाँ पे है, लेस देन वन इलेक्ट्रॉन होल्ड, मतलब बहुत ही छोटा सा एनर्जी गैप यहाँ पे वीबी एंड सीबी में प्रेजेंट है। मतलब सीबी में जो इलेक्ट्रॉन्स है एंड वीबी में जो इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़ा सा एनर्जी अगर वीबी के इलेक्ट्रॉन को मिल गया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सीबी में जंप करेगा। मतलब अगर मैंने कंडक्टर को थोड़ा सा हीट दिया तो हीट देने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगा एंड ये इलेक्ट्रॉन्स वीबी से सीबी में जंप करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए अगर टेम्परेचर लो होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो सी बी पार्शली फील्ड है, वी बी पार्शली एम्प्टी है, कितना भी कम टेम्परेचर आप करो, पर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वी बी से कुछ इलेक्ट्रॉन सी बी में चले जाएंगे, क्योंकि उनका एनर्जी गैप कैसा है, वेरी स्मॉल एनर्जी गैप, तभी वो जंप करना स्टार्ट कर देंगे एंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सी बी में तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब कंडक्टर का अगर आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वी बी से सी बी में जाते हैं एंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग इन सी बी,
वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट और अच्छे से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टर्स, याद रखो बस दो चीज़ें। बहुत सारे केसेस में तो वी बी एंड सी बी ओवरलैप होते हैं, मतलब एनर्जी गैप होता ही नहीं। वी बी के इलेक्ट्रॉन्स मतलब सी बी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सी बी के पास तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रहना है, एंड सी बी के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब कोई भी कंडक्टर लो आप, वी बी पार्शली एम्प्टी रहता है, सी बी पार्शली फील्ड रहता है, कभी भी एम्प्टी नहीं रहेगा, पार्शली फील्ड ही रहेगा, मतलब एट एनी हाउ कंडीशन आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना ही है, कितना भी कम टेम्परेचर करो या कुछ भी करो। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वी बी से सी बी में, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए हमें हेल्प करने वाले हैं। ओके, इस तरीके से कंडक्टर्स आर कंडक्टर, ये रीज़न है कि कंडक्टर कंडक्टर है, क्योंकि कंडक्टर के कंडक्शन बैंड में कौन से भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते ही है। कम टेम्परेचर रहने दो, इलेक्ट्रॉन्स रहते ही है सी बी में, टेम्परेचर बढ़ाओ और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं, इसलिए और अच्छे से करंट फ्लो होता है, मतलब एनी हाउ कंडक्टर्स विल फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। अब चलते हैं इंसुलेटर के पास। इंसुलेटर इंसुलेटर क्यों होता है, इंसुलेटर करंट क्यों फ्लो नहीं कर पाता है, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। नाउ इंसुलेटर का मैं बैंड डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ये उसका सीबी है, कंडक्शन बैंड है, एंड ये उसका वीबी है, वैलेंस बैंड हम जिसको बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। ओके, अब देखो इसके नीचे फर्स्ट बैंड होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, ये सब बैंड्स होते हैं, पर हम डिस्कशन करेंगे वीबी एंड सीबी के बारे में। अब देखो ये वीबी एंड सीबी का जो एनर्जी गैप है ना, जिसको हम ईजी बोलते हैं, इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन होल्ट। ये 3 इलेक्ट्रॉन होल्ट से भी ज्यादा होता है, 5-7 इलेक्ट्रॉन तक भी हो सकता है। ओके, मतलब इसका मीनिंग क्या है, देखिए इंसुलेटर का बेसिक कंडीशन क्या होता है, इन केस ऑफ द इंसुलेटर बैंड गैप इज वेरी लार्ज। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन होल्ट से ज्यादा होता है, और कहाँ तक हो सकता है, 15 इलेक्ट्रॉन होल्ट तक भी हो सकता है, मतलब सी बी एंड वी बी का एक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी गैप है वो कहाँ तक हो सकता है, 15 इलेक्ट्रॉन होल्ट तक भी हो सकता है। सो ये बहुत बड़ा एनर्जी का डिफरेंस है। ओके, और इसमें और एक क्या चीज है कि आपका जो कंडक्शन बैंड होता है ना, इंसुलेटर का कंडक्शन बैंड जो होता है वो एम्प्टी होता है हमेशा, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, मतलब उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है। एंड आपका जो वीबी होगा ये वीबी फील्ड होगा, कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी होगा एंड वैलेंस बैंड कैसा होगा, फील्ड होगा। ये कंडीशन चेंज हो रहा है, कंडक्टर में कैसा था, सीबी पार्शियली एम्प्टी था, वीबी पार्शियली, देखिए ये कंडीशन आपके सामने है, पार्शियली एम्प्टी एंड पार्शियली फील्ड, ये पार्शियली फील्ड था, ये पार्शियली एम्प्टी था, थोड़ा सा एम्प्टी था, ये थोड़ा सा भरा हुआ था, पर यहाँ पे पूरी तरीके से वो एम्प्टी है, पूरा का पूरा एम्प्टी है, मतलब इसके कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है एंड वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पे अगर लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर के लिए देखिए कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, वैलेंस बैंड फील्ड है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है मतलब करंट तो फ्लो नहीं होगा, नो करंट विल फ्लो। ओके, समझो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया इंसुलेटर का, तो क्या होगा, वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, पर ऊपर जाना इतना यहाँ पे आसान नहीं है, क्योंकि एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज। एक इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी लेके यहाँ पे ऊपर जाना है, मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन होल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन होल्ट तक का एनर्जी लग सकता है, और इतना एनर्जी तो वहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन को समझो एनर्जी मिल गया और चले भी गए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं,
कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कंडक्शन बैंड में जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। ओके, दो चार इलेक्ट्रॉन जाने से वहां पे इलेक्ट्रिक करंट तैयार होने वाला तो नहीं है, तो उस हिसाब से मतलब कंडक्शन बैंड यहाँ पे एनी हाउ एम्प्टी ही रहने वाला है। ओके, अब देखो कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहा मतलब इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो नहीं होगा, तो इसकी वजह से इनका कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी स्मॉल, और इसका कंडक्टिविटी जो होता है इट इज इन द रेंज ऑफ 10^-11 टू 10^-19 सीमेंस पर। ओके, अब देखो ये जो कंडक्टिविटी है ना बहुत ही स्मॉल है, और ये कोई भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंसुलेटर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। नाउ बचा कौन, हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा चैप्टर है, इट इज सेमीकंडक्टर। ये पॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है। ओके, अब देखिए सेमीकंडक्टर का मैं बैंड डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये होगा उसका सीबी एंड ये है उसका फीबी। ओके, नाउ ये उसका बैंड डायग्राम हो गया, नीचे फर्स्ट बैंड सेकंड बैंड वगैरह सब प्रेजेंट होंगे। ओके, अब देखो इसमें होता क्या है, नाउ वीबी एंड सीबी अगर आपने यहाँ पे देखा तो ये एनर्जी गैप जो होता है ना, दिस एनर्जी गैप इज, आई विल राइट हियर, ये जो एनर्जी गैप है वीबी एंड सीबी का, दिस ईजी इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन होल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन होल्ट से एनर्जी गैप कम होता है, मतलब वो 0.5 भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 2.5 भी रह सकता है। ओके, पर 3 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे एनर्जी गैप कैसा है, एनर्जी गैप इज स्मॉल, एनर्जी गैप इज स्मॉल। अब देखते हैं सेमीकंडक्टर का कंडीशन क्या होता है। आपका जो कंडक्शन बैंड होता है ना सेमीकंडक्टर का, लो टेम्परेचर के लिए हम कंसिडर करते हैं कि कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी होता है एंड वैलेंस बैंड जो होता है आपका फील्ड होता है। देखिए अगर लो टेम्परेचर है तो देखिए आपका कंडक्शन बैंड तो एम्प्टी है, वैलेंस बैंड फील्ड है, तो करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट विल फ्लो। ओके, अब टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया हमने थोड़ा सा, तो जो वीबी में इलेक्ट्रॉन्स है, वीबी के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा टेम्परेचर बढ़ने से, एंड वीबी के इलेक्ट्रॉन्स सीबी में आना स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वीबी से सीबी में आ सकते हैं, क्योंकि उनको आने के लिए एनर्जी कम लगता है ना, क्योंकि एनर्जी गैप इज स्मॉल, इन दिस केस एनर्जी गैप ईजी इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन होल्ट। आपका जो एनर्जी गैप है इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन होल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन होल्ट से आपका एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिल गया तो वीबी टू सीबी जा सकता है, मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो करंट विल फ्लो, यहाँ पे करंट फ्लो होगा क्योंकि सीबी में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए हैं। तो इनका जो कंडक्टिविटी होता है सेमीकंडक्टर का, दिस कंडक्टिविटी इज इन द रेंज ऑफ 10^4 टू 10^-6, इस रेंज में इनका कंडक्टिविटी आपको मिलेगा। ओके, ये कंडक्टिविटी देखिए कंडक्टर से कम है एंड इंसुलेटर से ज्यादा है, इसलिए इनको बोला जाता है सेमी कंडक्टर। इनका कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम एंड इंसुलेटर से ज्यादा है, इसलिए इनको बोला जाता है सेमी कंडक्टर। नाउ एक्चुअली ये बैंड डायग्राम होता है आपके सेमीकंडक्टर का, तो आप एक बात यहाँ पे समझ लो,
लो टेम्परेचर पे करंट नहीं फ्लो होता है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो करंट फ्लो होता है क्योंकि सीबी में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, आप समझो आपने फैन में या फिर एसी में या फिर टीवी में कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज़ किए, तो वो क्या बोलता है कि लो टेम्परेचर अगर होगा तो करंट नहीं फ्लो होगा। मतलब समझो रात में टेम्परेचर कम हो गया तो फैन बंद हो जाएगा, टीवी बंद हो जाएगा, एसी बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, बराबर है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया मतलब दोपहर में, तभी फैन चलेगा, तभी एसी चलेगा, तभी टीवी चलेगा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। इसलिए ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये जो सेमीकंडक्टर्स है, ये सेमीकंडक्टर्स हमें मॉडिफाई करने पड़ते हैं। ओके, तो उस हिसाब से हमने इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ऐसे दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनाए हैं। तो वो पॉइंट हमें आगे कंटिन्यू करना है, पर यहाँ तक का कंसेप्ट फर्स्टली आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, देखिए अगर आपका कोई सर्किट है बहुत बड़े साइज का, आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर, तो उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अगर वही सर्किट आपने विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर यूज़ किया डिजाइनिंग में उसके, तो उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन बहुत छोटा हो गया है, पहले बड़ा था। टीवी, टेलीविज़न पहले बहुत बड़ा था, अभी बहुत छोटा हो गया है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो, कंप्यूटर सिस्टम पहले बहुत बड़ा था, अब बहुत छोटा हो गया है। उसका रीज़न है सिर्फ आईसी। एंड आईसी कब काम करता है? आईसी सेमीकंडक्टर पे काम करता है। मतलब कोई भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आपको छोटा करना है तो आपको उसके लिए इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करना पड़ेगा, एंड वो पॉसिबल है सिर्फ सेमीकंडक्टर की हेल्प से। मतलब मुझे एनी हाउ यूज़ करना है सेमीकंडक्टर। पर सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम क्या है? अगर लो टेम्परेचर होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, एंड हाई टेम्परेचर होगा तभी करंट फ्लो होगा, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। मतलब ये सेमीकंडक्टर हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर सेमीकंडक्टर तो यूज़ करना ही है क्योंकि हमें आईसी यूज़ करना है। समझ रहे हैं आप मेरा प्रॉब्लम? क्योंकि मुझे आईसी यूज़ करना है, तो उस हिसाब से सेमीकंडक्टर को मॉडिफाई किया गया एंड दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनाए गए। इसमें फर्स्ट टाइप का सेमीकंडक्टर है जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्चुअली ये सेमीकंडक्टर हम यूज नहीं कर पाते हैं। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन होगा फिर? प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम। अब देखिए प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम मतलब क्या? समझो आपके पास एक सिलिकॉन का सब्सटेंस है, तो उसके अंदर सबके सब एटम कौन से होने चाहिए? सिलिकॉन के ही होने चाहिए, एक भी दूसरा एटम नहीं चलेगा, तो उसको हम बोलते हैं प्योर सिलिकॉन। प्योर जर्मेनियम मतलब ये जर्मेनियम है तो उसके अंदर सबके सब एटम किसके होने चाहिए? जर्मेनियम के ही होने चाहिए, बाकी दूसरा एटम नहीं चलेगा। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रीमली प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब देखो इसमें होता क्या है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम यूज़ नहीं कर पाते, इसका प्रॉब्लम क्या है? अब देखो प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम मैंने लिया, ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर कैसे पहचानना है? उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये करंट क्यों नहीं कंडक्ट कर पाता है? देखिए मैं यहाँ पे सिलिकॉन ड्रॉ करता हूँ। ओके, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये सिलिकॉन को अगर मैंने जूम कर दिया, आई विल शो द डिफरेंट एटम्स ऑफ द सिलिकॉन। देखिए ये सिलिकॉन है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल ही दिखा रहा हूँ बस, और इसके बाजू में एक सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
इसके बाजू में और एक सिलिकॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी फोर इलेक्ट्रॉन्स। हर तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, हर एक के आउटर मोस्ट शेल में फोर ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। कंसेप्ट समझो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रीमली प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये सिलिकॉन है, एक्सट्रीमली प्योर सिलिकॉन ऐसा रहता है कि उसमें सब के सब सिलिकॉन आइटम ही रहते हैं, और हर एक के आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने में उसको क्या प्रॉब्लम आता है, ये हमें यहाँ पे देखना है। देखिए अब क्या होगा, हर एटम को क्या लगता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, और इधर जो दूसरा सिलिकॉन होगा, और भी सिलिकॉन होगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, और इस तरीके से ये खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ओके, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, देखिए इसने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। अब देखिए ये सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, आठ, चार उसके पास थे, चार उसने शेयर कर लिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यही तरीके से सब सिलिकॉन एटम अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से सब सिलिकॉन एटम यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए सबका अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल ना, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन बिजी है। ये भी इधर शेयरिंग कर लेगा, ये भी इधर से शेयरिंग कर लेगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री नहीं बचेगा, सब अपने अपने इसमें बिजी हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री। अब देखिए रूम टेम्परेचर पे अगर आपने देखा, लो टेम्परेचर पे अगर आपने देखा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो आपका सीबी कैसा होगा, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा ना, अगर कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होगा। सो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इनसे रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होता है, लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होता है। समझो हमने इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब टेम्परेचर अगर सब्सटेंस को हमने दिया तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है आपका केमिस्ट्री का, यहाँ पे कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एंड कुछ बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें अवेलेबल हो जाएंगे, तो उस केस में कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। पर ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, लेस इन नंबर, और ये कब आएंगे, जब मैं इसको हीट दूंगा, जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तभी ये इलेक्ट्रॉन्स वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, और वो भी कैसे, बॉन्ड ब्रेक करके। अदरवाइज जब रूम टेम्परेचर था तब तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी ही था, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना नहीं है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब कुछ बॉन्ड ब्रेक हो गए, तब सीबी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तब करंट फ्लो होगा। तो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो इसलिए हम एक्सट्रीमली प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर यूज नहीं कर पाते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या प्रॉब्लम है कि लेस टेम्परेचर पे करंट नहीं फ्लो होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी थोड़ा सा करंट वहां पे फ्लो होगा, तो ये चीज तो हमें नहीं चलती है, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वी कांट यूज फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ओके नाउ अब देखिए हम जाएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास। जब हम जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास तब हमारे काम वाले सेमीकंडक्टर हमें मिलता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर्स हैं जो हम एक्चुअली यूज करने वाले हैं, हमारे चैप्टर में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही यूज करने वाले हैं। ओके okay?